अमे आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश सिंघा जी वे आए और आज के इस पावन अवसर पर यहाँ आए लोगों को अपना आशीर्वाद दें और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दें। आज आज इस दशहरा के त्योहार के उपलक्ष्य पर मंच पर बैठे कोटगढ़ पंचायत के अध्यक्ष कलास्टी भूतपूर्व बीडीसी की चेयरमैन मीरा जी, जरोल वार्ड से चुनी हुई और पूरे इलाके की लोकप्रिय नेत्री रीना ठाकुर जी, नेलन पंचायत के चुने हुए प्रधान श्रीमती नेहा धर्मा जी, उप प्रधान जयदेव जी, मंच पर बैठे कोटगढ़ हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर साहब, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एसडीओ राजू सरकेक जी, मंच पर बैठे बाकी मनुभव जी, टेकचंद जी और इस अवसर में उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं आज इस अवसर पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल मैं समझता हूं लोगों की जो दुख तकलीफ है, दुखड़ा है, दर्द है और खास तौर पर जो दर्द सरकार की जन सेवाएं ना उपलब्ध करने से जो पैदा हो रही है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और इन सेवाओं पर एक किस्म से पूरा का पूरा ग्रहण लगा है। शायद आपको मालूम होगा पिछले दिनों में जो आने वाला योजना आयोग होगा, जो 2000 से लेकर 2025 तक जो फाइनेंस कमीशन, जिसके आधार पर भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय मदद करनी है, उसकी टीम हिमाचल प्रदेश में आई थी और हिमाचल प्रदेश की सरकार के अलावा उस 15वें वित्त आयोग ने, जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उससे भी चर्चाएं की है। मैं इस अवसर को इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आज जो जनता यहां पर उपलब्ध हुई है, जो यहां आई है, एक आइडिया हो, एक तस्वीर होनी चाहिए कि किस तरीके से जो आने वाला वित्तीय आयोग है, जो 15वां होगा, उसका नजरिया क्या है हिमाचल प्रदेश के विकास के प्रति। जिस समय उन्होंने ढांचा आने वाले समय के लिए और जो वित्तीय मदद वो हिमाचल प्रदेश को करना चाहती है की तस्वीर रखी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरी पार्टी को ऐसा एहसास हुआ कि अगर ये उस तस्वीर को हिमाचल प्रदेश में लागू कर ले
तो आने वाले समय में जो ऑलरेडी ये ग्रहण सारी सेवाओं पर लगा है, ये ग्रहण और अधिक हो जाएगा। और इसीलिए मुझे उस आयोग को बड़े हाथ जोड़कर ये कहना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण डॉक्टर परमार के समय में इस नजरिए से नहीं हुआ था कि हमारा प्रदेश आर्थिक तौर पर निर्भरता के आधार पर नहीं हुआ। ये पहाड़ में रहने वाले लोगों की इच्छा थी कि अलग से एक प्रदेश हमारा इसलिए बनना चाहिए क्योंकि पंजाब में रहते हुए जो हिमाचल प्रदेश का विकास होना था वो हो नहीं पाया, इसलिए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ में रहने वाले जनता की इच्छा थी कि अलग से एक प्रदेश बनना चाहिए। और जो समय हमारे पास आए थी, हमारे पास जंगल थे, ये आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो एक मुख्य आय जंगलों से आया करती थी क्योंकि 65% हिस्सा हिमाचल प्रदेश का जंगलों से जंगलों का दर्जा उसका बनता है और खेती तो मात्र पूरे हिमाचल के 10% हिस्से में होती है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अधिक हिस्सा हमारे जंगलों का था, उसमें वृक्ष है कि नहीं वो दूसरी बात, जो वृक्ष से कवर एरिया जो आज हिमाचल प्रदेश का है, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है, गलत होगा तो मुझे सुधारा जाए, ये 35% हिस्सा बनता है। इसलिए एक मुख्य आय प्रदेश को जंगलों के जो उसका टिम्बर था उसे आया करती थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1980 में इस आय को और इस जंगलों को भारत सरकार ने जो वन संरक्षण कानून है, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत ले गया और 1980 के बाद एक नया पैसा इसके एवज में नहीं दिया। ये संभव नहीं था कि हिमाचल प्रदेश का विकास बगैर भारत सरकार की मदद से हो, क्योंकि जो मेन सोर्स हमारे इनकम का था वो भारत सरकार हमसे ले गई। मुझे बहुत हाथ जोड़कर 15 वित्त आयोग को ये कहना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश के पास उस प्रकार की आय नहीं है जिस प्रकार की आय दूसरे राज्यों में पैदा हो सकती है। मुझे ये कहना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश की नदियों को डैम कर पानी प्लेन्स को देने के लिए 1,00,000 हेक्टेयर भूमि, 6,00,000 हेक्टेयर भूमि है कुल हमारे पास, उसमें से 1,00,000 हेक्टेयर भूमि जो उपजाऊ भूमि थी सारी की सारी भूमि डूब गई, उसके एवज में एक नया पैसा नहीं मिला। 1990 के बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन हुए, जो बने, उसकी एवज में 12% के डिस्ट्रेस्ट कॉस्ट के नाम पर, जिसको पॉपुलर शब्दावली में रॉयल्टी कहते हैं, उसके अलावा हमें कुछ मिला नहीं। और आप आने वाले समय के लिए एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं, अगर इस तस्वीर को आप लागू कर लोगे तो हिमाचल देश के नक्शे से साफ हो जाएगा। ये बात कहकर मैंने उनसे कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश के नक्शे को आप साफ नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़ के रहने वाले लोग मेहनती है, पहाड़ के रहने वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन देश की आजादी के लिए और आज सरहद पर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी है, क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता। ये सारी बात मैं आपके बीच में क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जो आज हमारा हॉस्पिटल है, आज हमारा जो शिक्षा के
स्कूल और दूसरी संस्थाएं हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था कि 15वें वित्त आयोग के आगे मैंने क्या कहना है, तो 13वें वित्त आयोग के पत्र मुझे मिले, कागजात मुझे मिले, जिन कागजातों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 13वें वित्त आयोग के आगे पेश किए थे। और उसमें क्या किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वो उस समय भारत की सरकार से वित्त आयोग के जरिए धन लेने के लिए, राशि लेने के लिए, फाइनेंस लेने के लिए एक वायदा किया कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर खर्चा कम करेंगे। और इसलिए आज हमारी चिंताएं क्यों बढ़ती हैं, हमारी चिंताएं बिल्कुल, मैं प्रधान जी से 100% सहमत हूं, मैं आप सब लोगों से 100% सहमत हूं। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय वहां कुमारसैन में आए थे, तो मैंने उस समय भी कहा कि ये जो कुमारसैन का हॉस्पिटल है, ये कुमारसैन का हॉस्पिटल बीमार है और आप डॉक्टर हिमाचल प्रदेश के तब बनेंगे अगर आप इस हॉस्पिटल को ठीक करने में सक्षम होंगे। लेकिन मैं सोचता था कि शायद मुख्यमंत्री महोदय इस बात को कह दे कि एक आधा डॉक्टर मैं दे दूंगा, लेकिन मैं निराश हुआ जब मुख्यमंत्री महोदय ने उस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं की। मैं इस बात को समझता हूं और मैं इस हेल्थ कमेटी के सदस्य हूं और उस हेल्थ कमेटी के आगे पिछले दिनों में हमने हिमाचल प्रदेश हेल्थ सेक्रेटरी से एक प्रश्न पूछा, हमने कहा कि आप बताएं ये जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, डॉक्टर है, ये टेक्नीशियन है, ये डॉक्टर और टेक्नीशियन क्यों उपलब्ध नहीं होते। और उस समय जानकारी मिली, आप हैरान होंगे इस जानकारी को सुनकर, आज जो सैंक्शन पोस्ट है टेक्नीशियन के, हर हॉस्पिटल के अंदर जो उपलब्ध होने चाहिए, जो पीएचसी में उपलब्ध होना चाहिए, 57% वैकेंसी है, 57% वैकेंसी। अगर 50% ये वैकेंसी होगी तो डॉक्टर साहब मुझे माफ करे, चौधरी साहब मुझे माफ करे, ये मेहनत करते हैं मेहस्ती, लेकिन बगैर स्टाफ के हॉस्पिटल नहीं चल सकता। मशीनें पड़ी रहेगी, वो म्यूजियम में तब्दील हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है और मेरे कंधों पर इस जिम्मेवारी से ज्यादा जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की बनती है। मेरा दायित्व बनता है कि जो अलग अलग किस्म के मंच है, विधानसभा है, अलग अलग जो कमिटियां चलती है, उन कमिटियों के अंदर जोरदार तरीके से इसका खुलासा करूं, और सिर्फ खुलासा न करूं, सरकार की दिशा को मोड़ने का प्रयत्न करूं जिससे ये सेवाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल सही बोला प्रधान जी ने, जो हमारा स्कूल है, उस स्कूल के प्रधानाचार्य जो है वो पिछले दिनों में आए, आने के बाद गायब हो गए, पता लगा है कि ट्रांसफर हो गई है। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर जो साथी यहां पर उपस्थित हो, सरकार के नजदीक हो, वैसे तो हर्ष मेरा बनता है कि मैं सरकार के नजदीक रहूं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री साहब को कह दिया है कि अगर आप स्टाफ उपलब्ध नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं इन सेवाओं को सही तरीके से नहीं दिया जा सकता है। पिछले दिनों में पानी के मसले को लेकर, दूसरी सेवाओं के मसलों को लेकर रेस्ट हाउस में बैठक की गई, लेकिन उस बैठक और आज के बीच में जहां उम्मीद की जाती थी सेवाएं बेहतर हो, लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है और मेरा सिर शर्म से झुकता है कि उस बैठक के बाद सेवाएं बेहतर होने की जगह और भी क्या कहते हैं खराब हो गई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय
आम आवाम आम जनता के लिए है। फिर रास्ता क्या है हमारे पास? मैं समझता हूं रास्ता हमारे पास ये रास्ता है कि हम सरकार के दरवाजे को बार बार खड़काएं। जब तक हम इसको नहीं खड़काएंगे चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए, आज रीना जी हमारे बीच में बैठी है, भूतपूर्व हमारी बीडीसी की अध्यक्षा मीरा जी हमारे बीच में बैठी है, दो प्रधान हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे बीच में उप प्रधान जी बैठे हैं, चुने हुए पुराने प्रतिनिधि भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े जनता आप जो है, मैं समझता हूं आपके बगैर जो दिशा है सरकार की वो तब्दील नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात को मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा समय था जब सरकार और कोर्ट ये कहती थी कि एक एक इंच भूमि को खाली किया जाएगा जो आपकी जमीन के साथ लगी भूमि है, लेकिन अब सब जानते हैं कि नौ तोड़ की भूमि जो सरकार 1968 के बाद जो दिया करती थी, क्योंकि 1968 में 68 में हमारा ये कानून आया था जिस कानून के तहत जिसकी भूमि 20 बीघे से कम हुआ करती थी उसको नौ तोड़ दिया जाता था उसके 20 बीघा को पूरा करने के लिए, लेकिन 1980 के बाद ये नौ तोड़ भूमि देना सरकार ने बंद किया। वो दूसरी बात है कि बटाली में आज भी जनता है, कोटगढ़ के अंदर जनता होगी, ये मंसू के अंदर जनता होगी और दूसरी जगह में जनता होगी जिनको नौ तोड़ भूमि मिली लेकिन उनके इंतकाल नहीं हो पाए। क्या कारण था मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उस नौ तोड़ की भूमि मिलने के बाद भी आज भी मालकाना हक उन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि वो जो म्यूटेशन नहीं हो पाया उस म्यूटेशन से वो भूमि आज भी सरकार की भूमि का दर्जा दिया जा रहा है, उसको फॉरेस्ट लैंड तय किया जा रहा है। लेकिन मेरा इशारा क्या है कि लगातार जब गरीब आदमी के लिए ये संघर्ष चलता रहा, आवाज बुलंद होती रही, जो नए न्यायाधीश आए हैं पिछले दिनों में, मनाली का केस था जहां पर सिर्फ दो भाइयों के पास 2.5 बीघा था और उनकी पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने हाईकोर्ट में तर्क रखा न्यायाधीश के सामने में कि मुझे बताएं हम जिंदा कैसे रहेंगे, और अगर हमारे पास भूमि नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे क्या काम करेंगे, सरकार रोजगार नहीं देते हैं और उधर से चिट्टे वाले दरवाजा खटका रहे हैं, हमें शक है कि हमारे बच्चे चिट्टा का शिकार हो जाएंगे, और इसलिए न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपको 5 बीघा भूमि मिलनी चाहिए, आप अप्लाई करें सरकार के पास और 1-2 हफ्ते के अंदर अप्लाई करें और 4 हफ्ते के अंदर सरकार आपके केस को डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इतनी लंबी तर्क में क्यों दे रहा हूं आज? आज तो दशहरा का अवसर था, आज तो जो हमारे समाज के अंदर राक्षस होते हैं, ये राक्षस पैदा हो रावण के जरिए या ये राक्षस पैदा हो चिट्टे के जरिए या ये राक्षस पैदा हो जो हमारी सेवाओं पर ग्रहण लगा रहे हैं, चाहे स्कूल की सेवा है, हॉस्पिटल की सेवा है, या पीने की पानी की सेवा है, या बिजली की सेवा है। ये कहना चाहता हूँ सरकेश साहब भी आज मंच पर बैठे हैं, ये जहाँ तक बिजली की सेवा है इस पर ग्रहण कम लगा है जहाँ तक कोटगढ़ इलाके की बात है, लेकिन अगर आप कोटगढ़ से बाहर जाएं, खास तौर पर जुदून और शेर पंचायत में जाए तो वहां पर इस सेवा पर भी क्या कहते ग्रहण लगा है। ये तर्क इतनी लंबी शांता कुमार जी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, मैं पिछले दिनों में भी एक साथ ये समझ ले सरकार बनने के बाद 2 सेशन विधानसभा के होने के बाद जब मैंने महसूस किया कि सरकार पर सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए स्टाफ की भर्ती नहीं हो रही है तो मैं 3 दिन अनशन पर बैठा, कुछ चुने हुए नुमाइंदों को भी अपने साथ बैठाया, उसका मैं समझता हूँ
छोटा मोटा असर जरूर हुआ होगा, लेकिन वो असर नहीं हो पाया जो असर होना चाहिए। और इसलिए इतनी लंबी तर्क में इसलिए भी देता हूँ कि मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे पास, जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे हैं इस जिला परिषद वार्ड के अंदर, सारी अपनी सेवाओं को इस्तेमाल करते हुए लगातार सरकार पर दबाव डाले और उसके साथ साथ जनता को भी उठाना होगा। क्यों उठाना होगा? अगर 5 बीघे आज कोर्ट ने देने का एक नजरिया बनाया, वो तब बनाया जब हम लगातार सरकार और सरकार के तंत्र पर दबाव डाले हैं। इसलिए महेश जी, मैं समझता हूँ जो आपकी मशीनें हॉस्पिटल में है, जिसमें धूल वो उसको चाट रही है मशीनों को, जिस मशीनों के जरिए जो गरीब आदमी है, जो रामपुर नहीं जा सकता, जो शिमला नहीं जा सकता, साधारण टेस्ट के लिए अगर आज 2018 में 72 साल आजादी के बाद एक टेस्ट के लिए एक गरीब आदमी को शिमला जाना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ हमारी व्यवस्था पर लानत है। चलो मेरा से ये झुकेगा नहीं शर्म से, हिमाचल प्रदेश के पूरे कैबिनेट का, पूरी सरकार का सिर झुकना चाहिए शर्म में अगर हम ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो यह हमारी जिम्मेवारी बनती है, हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है। और उसको जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए सरकार की दिशा को तब्दील करना है। जो भी बाधाएं जहां से भी पैदा हो रही है उसको हटाने का कार्य हमें करना होगा, मिलकर करना होगा। और जब सफलता नहीं होगी तो हम आपके दरबार में भी आएंगे उन ग्रहणों को हटाने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अंग्रेज हमारे मुल्क को, या जो बगार और बेगता राज राजाओं के समय में होता था, वो पिटीशन देके समाप्त नहीं हुआ, वो महात्मा गांधी के अनशन बैठ करके खत्म नहीं हुआ, या ये शहीद आजम भगत सिंह को फांसी के फंदे को चूमते हुए वो राज खत्म नहीं हुआ। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद ही हम अपने मुल्क से अंग्रेजों को बेदखल कर सके हैं और राजाओं का जो बेट और बाजार का राज चलता था उसको समाप्त करने में हम सक्षम हुए। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं, और अपील के साथ साथ ये जो मांग पत्र मेरे सामने रखे गए हैं, इन मांग पत्र को कोई इस रूप से तो नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई राशि के रूप में तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, और सिर्फ दिल से नहीं कह रहा हूं, इसको अक्षर अक्षर लागू किया जाएगा। और जो ये कहा गया है स्कूल को 1 लाख रुपया वो देने के लिए, उसको करने के लिए, तो उसको मैं स्वीकार करता हूं, और वो जो मेरी MLA की राशि है उससे मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा। ये जो हमारा मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स पंचायत का ये जो यहाँ बन रहा है, जिसके लिए पिछले सालों में 15 लाख की राशि आई है, जिसके अंदर नीचे इसमें आपका पंचायत घर और हॉल और कुछ कमरे बनने हैं और ऊपर दुकानें बननी है, इसके लिए भी मैं वचनबद्ध हूँ कि ये कंप्लीट हो। जहां से भी राशि लानी होगी उस राशि को लाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारी पंचायत जो यहाँ पर है इसके पास साधन आए और वो ये पंचायत घर भी चले, दुकानें भी चले, और साथ साथ में वो आए भी पंचायत पाए, इसके लिए भी मैं वचनबद्ध हूँ कि अगले 6 महीने में इसको किया जाएगा। मैं इस बात के लिए भी वचनबद्ध हूँ जो मेरी नजर में पिछले दिनों में लाया गया कि ये हमारे पंचायत के अंदर लोस्टा गांव में महिलाएं चाह रही है एक सामुदायिक भवन बनने के लिए, क्योंकि उसका FRA करने की जरूरत है, उस FRA को करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं, जो MLA की राशि से जो भी उसमें टोकन मनी डालना है, वो टोकन मनी
एक महीने के अंदर डालकर उसका एफआईआर के केस को चलाया जाएगा और फिर उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से उसको आगे किया जाए। और भी मसले होंगे, यहाँ पर सड़क चौड़ी हो, आप जानते हैं कि सड़क में चला नहीं जा सकता है, कोई गाड़ी पार्क नहीं की जा सकती है, इन बातों के लिए भी वचनबद्ध है कि ये सड़क यहाँ पर चौड़ी की जाए। कैसे करनी है उसके बारे में एक नक्शा खींच दिया गया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में उस नक्शे को भी अमली जामा दिया जाएगा। कमी पेशी रह जाएगी तो उस कमी पेशी को दूर करने के लिए जो तौर तरीके हैं उनको तैयार करते हुए जिससे जनता को असुविधा पैदा ना हो, ये हमारा काम होना चाहिए। बहुत अधिक मैं बोलता हुआ, जो जो मांग पत्र आते रहेंगे उन मांग पत्र पर काम करना मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है सरकार के दरबार पर उनके ले जाने के लिए। और ये भी मैंने कहना चाहता हूँ, एक साल समाप्त होने के बाद अगर सरकार का नजरिया नहीं बदलेगा तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि जनता की मदद के साथ सरकार की दिशा को भी तब्दील करना, यही तरीका है लोकतंत्र प्रणाली के अंदर। ज्यादा न कहता हुआ मैं इस बात के लिए भी वचनबद्ध हूँ जो मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारा मंदिर कमेटी है उसके लिए जो सराय का निर्माण करना है, उस सराय के निर्माण के लिए भी मैं पैर कदमी करूंगा। जो भी राशि उसके लिए देनी, बहुत ज्यादा उसकी राशि स्वयं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं 1,00,000 रुपया उसके लिए दूंगा जिससे किसी शुरुआत हो जाए। आगे कैसे चलना है उसके तौर तरीके निकाले जाएंगे। मैंने स्वयं आज महसूस किया कि अगर हमने सेवाओं को और बेहतर बनाना है यहाँ पर, तो उन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ये जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे हैं, उनके साथ बैठकर हमें ये हर 3 महीने के अंदर बैठक करनी है, जिसके लिए अभी तिथि तो मैं तय नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लवी के से शुरू होने से पहले पहले, मेरा ख्याल 10 को ये सेकंड सैटरडे आता है, 11 को ये संडे है, ऐसे ही है, चलो जो भी होगा, मैं कोशिश करता हूं कि ये उससे पहले 7 को दिवाली आई है, तो दिवाली और उससे पहले जो ये लवी का मेला होगा उससे पहले कोई तिथि निकले, जिस तिथि के अंदर इस बैठक को थाएंदार में जो जुरोल वार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी मदद के साथ और जो लोगों की दुख तकलीफ सीधे रूप में जो आएगी उस उन जनता की अभी सुनाई उनकी समस्या की सुनाई करते हुए वो जो प्रशासनिक अधिकारी जिन जिन के महकमे हैं उनके जरिए इन प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश की जाए। ज्यादा न कहता हुआ मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और आज इस अवसर पर जब हम सारे इस समाज के अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति के जो धाराएं होती है उसकी आशा करते हैं कि समाप्त हो, लेकिन हर साल भी हमें क्या कहते हैं उसका जलाना पड़ता है। अब रावण कहे या कुछ भी कहे मैं उस रूप में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं इस दशहरे के अवसर पर हम ये जो बुराइयां हैं हमारी समाज की जहां से भी उत्पन्न होती है उनको इस तरीके से फूके, भस्म करे, समाप्त करे, जैसे कि एक अच्छा समाज बने, एक ऐसा समाज बने जिसमें इंसान को इंसान का दर्जा मिले, एक ऐसा समाज पैदा करे जिसमें विकास हो, ऐसा समाज पैदा करे जिसमें हमारा भाईचारा बढ़े और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति जो हमारे समाज में बार बार आती है इसको जड़ से खत्म करने का प्रयत्न करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे से कोई ऐसे शब्द निकले होंगे
उसे हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरे मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कई दर्द मेरे दिल में भी इस प्रकार की है जहां मैं महसूस करता हूं कि मदद करना चाहता हूं जनता की, लेकिन मदद इसलिए नहीं हो पाती है कि जहां से वो मदद होनी है वो मदद हो नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर ग्रहण लगे हैं। ये ग्रहण भी समाप्त हो ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुने, उन्होंने अपने यहाँ समस्त जनता को अपनी ओर से दशहरे के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं, अपना वे वचनबद्ध है कि वे समय रहते हुए जितनी भी हमारी यहाँ की समस्या है उनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।